एपिसोड की स्टार्ट में तोया और ये दोनों ट्विन सिस्टर्स एक न्यू सिटी में आए होते हैं एक मिशन के लिए। तोया बोलता है कि क्या सच में रॉयल कैपिटल में एक लेटर डिलीवर करना अच्छा मिशन है? अगर हम उस मेगा स्लाइम को मारने जाते तो वो ज़्यादा बढ़िया रहता। ये दोनों सिस्टर्स बोलती है बिल्कुल भी नहीं, हमें स्लाइम जैसे क्रिएचर बिल्कुल भी पसंद नहीं है और वो चीज़ कपड़े भी मेल्ट कर देते हैं, मैं रिस्क नहीं लेना चाहती। एलिस बोलती है कि चलो कुछ खा लेते हैं पहले, कोई होटल ढूंढना पड़ेगा हमें। तोया बोलता है वेट, क्यों ना हम मेरा टेलीपोर्टेशन मैजिक यूज़ करके सिल्वर मून होटल में चले जाए, इससे पैसा और टाइम दोनों बचेगा। ये दोनों सिस्टर बोलती है बिल्कुल भी नहीं, एक मिशन को करने का मज़ा तभी है जब हम जगह को एक्सप्लोर करें, एडवेंचरस को ये पता होना चाहिए। तभी तोया कुछ भीड़ देखता है आगे, ये सब उधर जाते हैं और सामने एक लड़की को देखते हैं जिसे कुछ गुंडे घेर के खड़े होते हैं। लिंस बोलती है मैंने ऐसे कपड़े कभी नहीं देखे। तोया बोलता है ये एक समुराई है। लिंस बोलती है वो क्या होता है? एक बंदा उस लड़की से बोलता है मैंने सुना तुमने मेरे कुछ साथियों से पंगा लिया। वो लड़की बोलती है तो तुम उनके साथ हो जो मुझसे भिड़े थे पहले। तभी वो बंदा उसको मारने आगे बढ़ता है मगर वो लड़की उसको नीचे पटक देती है। फिर तभी वो लड़की अपना पेट पकड़ लेती है। तभी पीछे एक बंदा उस पर अटैक करता है मगर तोया उस पर अपना मैजिक यूज करके उसे रोक देता है। एलिस और लिंस भी फिर उन गुंडों को मारने में तोया का साथ देती है। तभी कुछ लोग बोलते हैं गार्ड्स आ रहे हैं और फिर तोया उस लड़की को लेके वहां से निकल जाता है। अब ये लड़की इनको थैंक्स बोलती है उसकी मदद करने को और बोलती है मेरा नाम है कोकोनोई याय, कोकोनोई मेरी फैमिली का नेम है तो तुम मुझे याय बुला सकते हो। तोया बोलता है तुम फिर एशियन से होगी? वो बोलती है हाँ। फिर तोया उसको अपना इंट्रोडक्शन देता है। याय बोलती है तोया तो क्या तुम भी एशियन से हो? तोया बोलते हैं नहीं, मैं वैसी एक कंट्री से हूँ जो उसकी तरह सिमिलर है। तभी दोनों ट्विन सिस्टर हैरान हो जाती है। तोया मन में बोलता है इन्हें लगता है मैं एशियन से हूँ। तोया फिर बोलता है कि तुम्हें फाइट के बीच में क्या हो गया था? याय बोलती है मेरे ट्रैवलिंग के पैसे रास्ते में खो गए तो मैं बस भूखी हूँ। अब ये सब जो है याय को खाना खिलाते हैं। लिंस बोलती है तुम ट्रैवल कर रही हो अपनी मार्शल आर्ट्स टेक्निक को इम्प्रूव करने के लिए? याय बोलती है मेरे फैमिली में सभी वॉरियर्स हैं और मैं भी अपनी स्किल्स इम्प्रूव करना चाहती हूँ, एक दिन मैं भी अपने फादर और ओल्डर ब्रदर जैसे स्पोर्ट्समैन बनूंगी। और वो उन्हें ये भी बताती है कि वो रॉयल कैपिटल में जा रही है अपनी स्ट्रेंथ टेस्ट करने के लिए। एलिस बोलती है हम भी वहीं जा रहे हैं, क्या तुम हमें ज्वाइन करना चाहोगी? याय बोलती है कि जरूर। अब ये सब घोड़े की गाड़ी में बैठ के जा रहे होते हैं। तोया बोलता है याय तुमने घोड़ा चलाना कहाँ सीखा? याय बोलती है ट्रेनिंग के दौरान। एलिस बोलती है तुम्हारे होने से हमें थोड़ी हेल्प मिलेगी। तोया बोलता है मैं ही बस यूजलेस हूँ यहाँ पे। लिंस बोलती है नहीं तुम नहीं हो, तोया एक बहुत ही टैलेंटेड मैजिक यूज़र है। एलिस बोलती है ये मेरा बूस्ट मैजिक भी यूज़ कर सकता है, एलिमेंटल मैजिक और नल मैजिक भी। लिंस बोलती है तुम कोई भी नल मैजिक यूज़ कर सकते हो जब तक तुम्हें उसका नाम और उसके इफ़ेक्ट्स के बारे में पता हो। और उसे मैजिक की एक बुक दे देती है पढ़ने को। तोया उसमें से नल मैजिक पढ़ता है और बोलता है इसमें तो बहुत सारे हैं लेकिन आधे से ज़्यादा तो इसमें किसी काम के ही नहीं है। तोया मन में बोलता है गॉड ने मेरी मेमोरी बूस्ट करी है मगर कितनी, इतने सारे मैजिक याद करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा। तभी वो एक स्पेल के बारे में पढ़ता है जो दूर की चीज़ों को अपने पास ला सकती है। तोया उसे यूज़ करता है मगर वो काम नहीं करती। एलिस बोलती है तुमने क्या लेने की कोशिश करी? तोया बोलता है याय की स्वॉर्ड। एलिस बोलती है शायद उसकी स्वॉर्ड ज़्यादा भारी हो इस मैजिक के लिए। तोया बोलता है हाँ शायद, इसमें लिखा है कि ये सिर्फ स्मॉल ऑब्जेक्ट्स पे ही काम करता है। तोया फिर से उस मैजिक को यूज़ करता है और याय एकदम से चिल्लाती है। एलिस बोलती है इस बार तुमने क्या लेने की कोशिश करी? तोया बोलता है बस याय का रिबन। लिंस बोलती है ये स्पेल काफ़ी चीज़ों में हेल्प कर सकता है लेकिन उनमें से कुछ भयानक भी है। एलिस बोलती है तुम इससे लोगों के पैसे चुरा सकते हो, उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि किसने निकाले उनके पैसे। तोया बोलता है तुम सही कह रही हो, मैं ऐसा कर तो सकता हूँ। दोनों सिस्टर्स फिर बोलती है कि क्या तुम ऐसा करने का सोच रहे हो? ऐसा करना सही नहीं। तोया बोलता है शांत हो जाओ, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। तोया फिर बोलता है मैं ये सोच रहा हूँ कि क्या मैं इससे किसी के अंडरवियर वगैरह ले सकता हूँ। लिंस और एलिस फिर तभी घबरा के पीछे हट जाती हैं। तोया बोलता है रिलैक्स, मैं बस मजाक कर रहा था। याय बोलती है कि क्या मुझे अपना रिबन वापस मिलेगा अब? अब तोया थोड़े और स्पेल पढ़ता है उस बुक में से, जैसे कि टेम्पररी फ्रिक्शन कम करने का स्पेल। फिर बोलता है लॉन्ग सेंस। एलिस बोलती है ये क्या करता है? तोया बोलता है कि इससे सेंसेस एक्सपेंड हो जाती है, मैं दूर की चीज़ें सुन और देख सकता हूँ। तभी उसे कुछ स्मेल आती है। तोया बोलता है ये खून की स्मेल है। वो आगे बढ़ता है और देखता है कुछ मॉन्स्टर को जो कुछ सोल्जर्स पर अटैक कर रहे होते हैं और वहाँ एक बंदा भी होता है। तभी ये सब मिलके उन मॉन्स्टर को मारना शुरू करते हैं लेकिन जो वो मॉन्स्टर है वो आते ही जाते और ख़त्म नहीं होते। तभी लिंस बोलती है ये एक डार्क समनिंग स्पेल है, हम इन मॉन्स्टर को तब तक नहीं रोक सकते जब तक हम उस मैजिशियन को ना हरा देते। तोया तभी बोलता है स्लिप और अपने फ्रिक्शन स्पेल को यूज़ करके उस बंदे को गिरा देता है और ये उस मैजिशियन को फाइनली पकड़ लेते हैं। फिर वो सोल्जर्स इन सबको थैंक्स बोलते हैं। तोया बोलता है कि क्या किसी को चोट आई? वो सोल्जर बोलता है मेरे साथ साथ ही मारे गए। तभी एक आवाज़ आती है कि कोई हेल्प करो। तोया और बाकी सब फिर उधर की तरफ जाते हैं।
वहाँ एक लड़की को देखते हैं, वो जो बोलती है कि कोई इसकी हेल्प करो, इसके चेस्ट में एक तीर रख गया है। तोया बोलता है, लिंस क्या तुम इन्हें ठीक कर सकती हो? लिंस बोलती है, नहीं। तोया बोलता है, अगर इनके चेस्ट में तीर नहीं होता तो तुम क्या इन्हें हील कर सकती थी? लिंस बोलती है, हाँ। तभी तोया अपने मैजिक से उसके चेस्ट में गड़े तीर को बाहर निकाल लेता है और फिर अपने लाइट मैजिक से उसके चेस्ट का पेन भी दूर कर देता है। वो बूढ़ा आदमी जो होता है फिर उठ जाता है। फिर वो लड़की तोया और उसके फ्रेंड्स को थैंक्स बोलती है उसे बचाने के लिए। तभी वो आदमी अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बोलता है कि मेरा नाम है लियाम और मैं एक बटलर हूँ जो ड्यूक ऑटलैंड के यहाँ काम करता हूँ, और ये लड़की ड्यूक की बेटी है, लेडी सुसी एर्निया ऑटलैंड। तभी एलिस, लिंस और याय नीचे अपने घुटनों में बैठ जाते हैं। तोया बोलता है, क्या हुआ? एलिस बोलती है, ये ड्यूक की बेटी है। लिंस बोलती है, ड्यूक एक हाईएस्ट नोबल रैंक है जो सिर्फ रॉयल फैमिली के मेंबर्स को ही मिलती है। तभी सुसी बोलती है कि मेरे फादर ड्यूक अल्फ्रेड अर्नेस्ट ऑटलैंड छोटे भाई है रॉयल फैमिली के किंग के। तोया बोलता है, तो तुम फिर किंग की नीस हुई? क्या मुझे तुम्हें लेडी सुसी बुलाना चाहिए? वो बोलती है, सू ही काफ़ी है, तुम्हें ज़्यादा फॉर्मल होने की ज़रूरत नहीं, तुमने हमारी जान जो बचाई है। तोया बोलता है, ओके, तो एक रॉयल यहाँ क्या कर रही है? सू बोलती है कि मैं अपनी ग्रैंड मदर के घर से रॉयल कैपिटल की तरफ जा रही थी और तभी हम पे हमला हो गया। तोया बोलता है, क्या तुम्हें हमारी हेल्प चाहिए? लियाम बोलता है, हाँ, क्या तुम हमें रॉयल कैपिटल तक छोड़ सकते हो? तुम्हें रिवॉर्ड भी मिलेगा इसके लिए। एलिस बोलती है, चलो चलते हैं, वैसे भी हम उधर की तरफ ही जा रहे हैं। तोया बोलता है, ठीक है, फिर चलते हैं। अभी ये लोग पहुँचते हैं कैपिटल सिटी ऑफ बेलफास्ट किंगडम। ये एक लेक के ऊपर बना है जिससे इसको नेम मिला है सिटी ऑफ लेक्स का। अब ये सब पैलेस में पहुंचते हैं जहां पे सू अपने फादर से मिलती है और फिर उसके फादर जो है वो तोया और उसके बाकी सभी फ्रेंड्स को थैंक्स बोलते हैं और अपना सर झुकाते हैं। ये देख के तोया और बाकी सब थोड़ा एम्बेरस्ड हो जाते हैं कि एक किंग उनके सामने सर क्यों झुका रहा है। फिर वो अपना इंट्रोडक्शन देता है और बोलता है, मैं हूँ ड्यूक अल्फ्रेड अर्नेस्ट ऑटलैंड। अब अल्फ्रेड जो है तोया और उसके फ्रेंड्स के साथ चाय पी रहा होता है, तभी सू आती है। अल्फ्रेड बोलता है, क्या तुमने एलन से बात करी? सू बोलती है कि मुझे नहीं लगता उसको कुछ बताना चाहिए, इससे वो परेशान होगी बस। तोया बोलता है, ये एलन कौन है? अल्फ्रेड बोलता है, वो मेरी वाइफ है, सॉरी बट मैं तुम्हें उनसे मिलवा नहीं सकता, वो अंधी है। तोया बोलता है, क्या वो बीमार है? अल्फ्रेड बोलता है, ये 5 साल पहले हुआ था, वो बच तो गई मगर उसने अपनी आंखों की रोशनी खो दी। लिंस बोलती है, तुमने मैजिक ट्राई करा? अल्फ्रेड बोलता है, हाँ, मगर उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। सू बोलती है, अगर मेरे ग्रैंडफादर जिंदा होते। अल्फ्रेड बोलता है, मेरी वाइफ के फादर के पास एक स्पेशल टाइप का हीलिंग मैजिक था, उससे वो किसी भी बीमारी को ठीक कर सकते थे। सू के लेटेस्ट जर्नी का भी एक ही मकसद था कि उस मैजिक के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा वो सीख सके। सू बोलती है, सॉरी फादर, मैं वो सीख नहीं पाई, हमें कोई हीलर ही ढूंढना पड़ेगा और उसको वो सिखाना पड़ेगा। अल्फ्रेड बोलता है कि तुम्हारे ग्रैंडफादर का मैजिक एक नल मैजिक था, दूसरे किसी के पास वो नहीं होगा। तभी एलिस, लिंस और याय हैरान हो जाते हैं और तोया की तरफ उंगली करते हैं और उसको आंखें फाड़ के स्माइल करते हुए देखने लगते हैं। और अब नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि तोया उस हीलिंग मैजिक को सीख के एलन की आंखों को ट्रीट कर देता है और एलिस और लिंस जो है वो तोया को हक कर लेते हैं और सब मिलकर उसकी तारीफ करते हैं। अब नेक्स्ट सीन में अल्फ्रेड तोया से बोलता है, तुमने ना ही सिर्फ मेरी बेटी की जान बचाई, तुमने मेरी वाइफ को भी ट्रीट करा। और फिर वो तोया को एक रिवॉर्ड देता है, वो इतना भारी होता है कि तोया के हाथ से ही छूट जाता है। तोया बोलता है, इसमें है कितने? अल्फ्रेड बोलता है, इसमें 40 प्लैटिनम कॉइन्स है। ये सुनकर लिंस, एलिस और याय शॉक्ड हो जाते हैं। तोया बोलता है, क्या प्लैटिनम ज़्यादा वैल्यू के होते हैं? एलिस बोलती है, ये गोल्ड से भी ज़्यादा वैल्यू का है, एक प्लैटिनम कॉइन 10 गोल्ड कॉइन के बराबर है। तोया बोलता है, वेट, 40 प्लैटिनम, फिर ये कितने हुए? 40 मिलियन येन। और बोलता है, थैंक्स बट हम ये नहीं ले सकते इतने। अल्फ्रेड बोलता है, अगर तुम एडवेंचरस बनना चाहते हो तो तुम्हें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। और फिर बोलता है, ये मेरे फैमिली मेडल्स है, इससे तुम किसी भी चेक पॉइंट से पास हो सकते हो, जिसका मतलब है तुम नोवल डिस्ट्रिक्ट में भी एंटर कर सकते हो और ये शो करेगा कि तुम ड्यूक के प्रोटेक्शन में हो। अब ये सब पहले से चले जाते हैं सबको बाय करते हुए। एलिस बोलती है, तो हमने लेटर डिलीवर कर ही दिया आखिरकार, हमारा मिशन ख़त्म हुआ। तो याय से बोलता है, हम अपने विलेज अब वापस जाएंगे, तुम्हारा क्या? याय बोलती है, मैंने अपना मन बना लिया है और मैं खुद को तुम्हें ऑफर करती हूँ। ये सुन के सभी हैरान हो जाते हैं। याय बोलती है, वो मैंने उस वे में नहीं बोला। एलिस बोलती है, अच्छा तो फिर तुमने किस वे में बोला? याय बोलती है, हालांकि हमारी जर्नी छोटी थी मगर मुझे पता चल गया कि तुम किस तरीके के इंसान हो, तुम्हारे पास ग्रेट पावर्स हैं, तुम हम्बल हो और दूसरों की हेल्प करते हो, मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ। एलिस बोलती है, श्योर, तुम हमारे साथ गिल्ड ज्वाइन कर सकती हो और फिर हम साथ में मिशन भी कर सकते हैं। याय बोलती है, मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी होगी। एलिस और लिंस उसको वेलकम करते हैं अपनी टीम में। फिर तोया मन में बोलता है, शायद मैं ये पावर्स डिजर्व नहीं करता मगर अगर इससे मैं खुशियाँ बांट सकता हूँ देन हु केयर्स। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। सो गाइस, इस एपिसोड में तोया और उसके फ्रेंड्स ने अपना एक और मिशन कंप्लीट कर लिया है और इसी के साथ उनके टीम में उन्होंने एक और मेंबर भी शामिल कर लिया है।
तो अब आ गए ये सब मिलके और क्या क्या एडवेंचर पे जाते हैं और कौन कौन से मिशन पूरा करते हैं एक साथ मिलके और क्या इनकी टीम और बड़ी हो पाएगी, वो आगे के एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा। तो ये वीडियो का एक्सप्लेनेशन अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट कर देना। लास्ट वीडियो में मैंने बोला था कि 100 likes कंप्लीट करवा देना, जो कि आप लोगों ने कंप्लीट करवा दिए। तो इस वीडियो में मैं एम रख रहा हूँ 300 likes का, ये भी बहुत कम है, तो करवा देना। और चैनल पर पहली बार टपकी हो तो सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा और बाय।